जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज की जो वीडियो है विशेष करके पूजा पाठ से संबंधित है। हमारे पास में कई भक्तों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमको बताइए कि हमें अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, हम लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करते हैं, पूजा किस विधि से करें, इसके साथ में अगर हमारे पास में नए लड्डू गोपाल जी ले आए हैं तो लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ज्यादा एक से ज्यादा लड्डू गोपाल रखें या नहीं रखें, ये विशेष करके कमेंट आते हैं। तो भक्तों, उसी के ऊपर हम जानकारी दे रहे हैं। सबसे प्रथम लड्डू गोपाल जी रखने की, कितने लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं, वे शास्त्रों के अनुसार एक से ज्यादा एक देवता की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, परंतु लड्डू गोपाल जी की, जैसे आपके घर में पहले छोटे लड्डू गोपाल जी थे, कोशिश करें कि एक बार ही लड्डू गोपाल जी ऐसे लेकर के आए जिनकी आप पूजा कर सकें। जैसे आपके घर में बच्चा है, पहले से एक बालक है, उसको संभालें। आपकी दूसरी संतान हो गई, अब दूसरी संतान होने के बाद में क्या सोचेंगे कि पहले बच्चे को घर से निकाल दें, ऐसा विचार नहीं आएगा ना। इसीलिए लड्डू गोपाल जी अगर आप दूसरा ले आए हैं, चलो छोटे लड्डू गोपाल थे बड़े लेकर के आ गए हैं, तो ये नहीं कि पुराने को उठा करके, कई तो ऐसे भक्त होते हैं लड्डू गोपाल जी को लिया और लेकर के नदी में प्रवाहित कर दिया, या लड्डू गोपाल जी को कहीं छोड़ के आ जाते हैं, फूलों में डाल के आ जाते हैं, कई बार मंदिरों में रखे आते हैं, ये बहुत गलत है। अगर आप बड़े लेकर के आ गए तो छोटों को भूल गए, तो फिर आपका भाव कहां गया, आपका भाव तो होना चाहिए ना। भगवान ने स्वयं ही कहा है ना कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आपने एक मूर्ति समझ लिया, मूर्ति समझ के आप पूजा कर रहे हैं, आपने परमात्मा की दृष्टि से उन्हें देखा ही नहीं, ये बहुत गलत है। आप जिन लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, आप दूसरी लेकर के आ जाओ, दो ले आओ, तीन ले आओ, कोई परेशानी नहीं है, पर जो लड्डू गोपाल जी आपने पहले से रखे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश ना करें। और मूर्तियां निकाल सकते हैं और देवताओं को निकाल सकते हैं, पर एक लड्डू गोपाल ऐसे होते हैं जिन्हें कभी घर से निकालना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आज इस तीर्थ में गई वहां लड्डू गोपाल जी अच्छी लगी तो उन्हें उठा के ले आए, नहीं, हमारे में ये कमी है इसलिए ये नए लड्डू गोपाल जी ले लेते हैं, इनके मैन नेक्स बड़े सुंदर है, कल को पॉलिश होकर गई उसके बाद में फिर नए ले आए, ये बहुत गलत है। आप एक दो या तीन ला भी गए हैं तो निकालने की कोशिश ना करें, सभी की पूजा करें, सभी का श्रृंगार करें। अगर दो हैं, एक को कृष्ण मान लें, एक को बलराम मान लें, इस तरह से पूजा करें। पहले वाले जो लेके आए उन्हें बलराम मान लो, चाहे साइज चाहे छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है, और जो नए लेके आए उन्हें कृष्ण मान लो, पर पूजा जरूर करो, कभी घर से नहीं निकलना चाहिए। इसलिए एक बार ही लाते हैं तो सोच समझ के लाएं। अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो लाए नहीं। अगर आपका बच्चा है, आपने बच्चे पैदा कर लिए और आप उसका पालन पोषण नहीं दे पा रहे, अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे, तो क्या उठा के किसी को दे दोगे, क्या उन्हें जो घर से निकाल दोगे, नहीं जी आप चले जाओ, तो हम तुम्हें पाल नहीं सकते। अगर आप भी ठाकुर जी के साथ ऐसा करेंगे तो मेरे ठाकुर जी आपसे रिश्ता क्या निभाएंगे। भगवान तभी तो कहते हैं ना, जो तू आवे एक पग में आओ पग साथ, जो तू बनता काठ का तो मैं लोहे की लाठ, तो एक कदम बढ़ाएगा मैं भी साठ कदम बढ़ाऊंगा, जैसा तू रिश्ता निभाएगा मैं उससे कई गुना वैसा ही निभाऊंगा। इसलिए लड्डू गोपाल जी की पूजा करो, घर से मत निकालो, परिवार में पूजा करने को दे सकते हैं, बच्चे को चलो अपने घर में दे देते हैं, पर ये नहीं घर से मत निकालो, ये गलत है। उन्हें बालक की तरह प्यार दो,
अब रही पूजा की, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं कर पा रहे थे इसलिए उठा करके हमने निकाल दिए। कई लोग हैं, मैं भक्त के घर में गया था, लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे। मैंने कहा लड्डू गोपाल जी तो बड़े सुंदर है आपके कान्हा जी, तो क्या नाम है इनका? नाम भी बताया। मैंने कहा इनकी क्या पूजा करते हो? कह रहे नहीं हम पूजा नहीं करते, रखे हुए। ये भी तो गलत है, मेरे खाना खिलाते हो कि नहीं, भोग लगाते कि नहीं? नहीं गुरु जी हम तो भोग नहीं लगाते, हमारे घर में नॉन वेज बनता है ना इसलिए नहीं लगाते। अरे मंद बुद्धि मत बनो, भगवान को लेके आए हो उन्हें प्यार भी करो, आप भी स्नान करो। जरूरी नहीं कहा ठाकुर जी ने कि मुझे उसी समय कराओ, 4 बजे जगह कराओ, जिस समय तुम जगे हो स्नान करो। स्नान करके ठाकुर जी को जो है, मेरे लड्डू गोपाल जी तो ऐसे ही प्रेम के मुखे, उन्हें भाव से पूजा करो, स्नान कराओ, अपने लाला को श्रृंगार कराओ जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हो। सुबह उन्हें आप चाय पी रहे हो तो उन्हें दूध बिस्कुट का भोग लगा दो। अगर आप अपने लिए फल लेकर के आए तो उनके लिए भी फल का भोग लगाओ। वो आपसे अलग डिमांड तो नहीं करते ना कि मेरे लिए ये खिलाओ वो खिलाओ। फिर बच्चे तो कह देते हैं कि मम्मी पापा आप तो मुझे पिज्जा खाना है। कभी आपके गोपाल जी कहते हैं आपसे कि मुझे ये खाना है? पर उनका भाव जरूर होता है, ये बात ध्यान रखना। वो भी देखते हैं कि मेरे माता पिता मेरे साथ में कहते हैं, वो बच्चे के रूप में पूछते हैं। लड्डू गोपाल हर समय बच्चे जैसा स्वभाव होता है उनका, और बच्चे को प्यार से रखो तो ठीक है, अन्यथा फिर आप समझ ही सकते हो बच्चा बिगड़ भी सकता है। इसी तरह से लड्डू गोपाल जी को दोपहर के समय आपने भोग लगाया, आपने प्याज लहसुन डाला है सब्जी में, तो आप जो है उन्हें मां मक्खन के साथ में, मलाई के साथ में रोटी रख के, अचार रख करके साथ में दूध रख के लगा दो। मेरे गोपाल जी तो चटनी से भी खा लेते हैं, परंतु उन्हें ऐसी दुर्दशा मत करो, ये गलत है। रात को सोते समय दूध का भोग लगाओ, उस भोग को स्वयं भी ग्रहण करो। ये केवल सादा पूजा हो जाती है, ये रोजाना 56 भोग नहीं मांग रहे। तो इसलिए सादा रूप से जैसे अपने घर में बच्ची को रखते हैं वैसे भाव से आप लड्डू गोपाल जी को रखो, उससे रिश्ता जोड़ो, आपको स्वयं एहसास होगा। आप अपने लिए कपड़े खरीदने गए मार्केट से, महंगे महंगे कपड़े लाते हैं, तब वहीं पर ध्यान रखो नहीं ठाकुर जी के लिए भी एक पोशाक लेनी है हमारे घर में, हमें बच्चों के लिए खरीदे तो एक पोशाक उनके लिए भी लेनी है, उससे रिश्ता जोड़ो, घर का सदस्य मान लो, दुख सुख में साथ रखो, तो आपसे रिश्ता अवश्य निभाएंगे। जैसे वृंदावन में मदन मोहन जी रहते थे, एक संत बाबा थे, तो उनके घर में लड्डू गोपाल जी थे, आश्रम में लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे। उनकी इच्छा थी कि मैं गंगा जी जाऊं, गंगा जी जाकर के स्नान करूं, हरिद्वार जाना चाहते थे। पर जैसे वो निकलते थे उनके मन में एक ही भावना आती थी, मेरा लाला कह रहा है कि बाबा तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं भूखा रहूंगा, मेरी सेवा कौन करेगा? अब आपके मन में विचार आएगा बाबा साथ में ले जा सकते थे, इसका भी रिश्ता देता। वो आप जाते हो घूमने जाते हो, पिकनिक मनाने जाते हो, कभी लड्डू गोपाल जी को साथ मत ले जाओ, उन्हें अपने परिवार में किसी के पास छोड़ जाओ, या मंदिर में पंडित जी से कह जाओ पंडित जी ये भोग की सेवा लो, हमारे ठाकुर जी का इतने दिन ध्यान रखना। क्योंकि रास्ते में क्यों नहीं ले जाते? अगर आपकी गाड़ी अपनी है तो आप रख के ले जा सकते हो, पर आप बसों में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, झूठे कूटे हाथ आपके, कैसे कैसे हाथ उनको लगेंगे, उनकी व्यवस्था नहीं, दुर्दशा हो जाती है। अपनी गाड़ी में तो ले जा सकते हो, या आप उनकी देखरेख शुद्धता से कर सको तो साथ ले जा सकते हो। लड्डू गोपाल जी कहते हैं बाबा मेरी कौन देखरेख करेगा? तो मदन मोहन जी रुक जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई, पूरा जीवन ऐसी बीत गया। कहां जाता है जब उन संत को जमुना जी किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसी समय पर एक 8 वर्ष का बालक आया भीड़ में से, सांवला रंग था, कहने लगे इनका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। उसके कंधे पर
एक मटकी में गंगा जल था, मेरे बाबा की इच्छा थी कि मैं गंगा जी में जाके स्नान करूं। मैं बाबा के लिए गंगा जल लेकर के आया हूं। उस बालक ने संत को स्नान कराया, अंतिम संसार को उनको मुखाग्नि दी, परिक्रमा करते करते अंतर ध्यान हो गया। तब सभी संतों को समझ आया, स्वयं ठाकुर जी आए थे, उन्होंने ठाकुर जी से रिश्ता रखा, तो आखिर में ठाकुर जी ने भी निभाया। मेरे गोपाल तो इतने प्रेम के भूखे हैं, अजामिल जैसा पापी अपने पुत्र को पुकारता है, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, और मेरे गोपाल जी समझ लेते हैं कि मुझे पुकार रहा है, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटे के रूप में भी उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे ठाकुर जी, इनको प्रेम चाहिए, आप घर में रखो, ये कोई आपसे ज्यादा नियम नहीं चाहते कि एक एक दो दो घंटे बैठ के पूजा करो, बच्चे की तरह देख रेख रखो, परंतु लड्डू गोपाल जी की दुर्दशा मत करो। दो हो गए, तीन हो गए, इतने तक बस रुक जाओ, यही सब कर लो, ज्यादा इकट्ठे मत करो, दो गए लड्डू गोपाल बलराम कर लो, उनको कृष्ण बलराम रख लो, पर सेवा करो, भाव से सेवा करो, सुबह शाम आरती करो, भाव के सेवा करो, रात को लाला को सुलाओ, सुबह उठाओ, जो ठाकुर जी की सुबह उठाने की पूजा करने की विधि है उसकी वीडियो भी हमने चैनल पर डाल रखी है, नित्य पूजा पाठ कैसे करें उसकी वीडियो, बाकायदा ठाकुर जी को स्नान करा के पूजा करके सेवा दिखाई हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कैसे पूजा करें, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया है। रात को सुलाना भी चाहिए, सुबह जगाओ, अपने बच्चे की तरह प्यार करो, आप एसी में सो रहे हो, ठाकुर जी गर्मी में सो रहे हैं, ऐसा मत करो, अपने बेडरूम में सुला सकते हो। मेरा लाला तो ऐसा है कि नियम को भी नहीं मानता, ये प्रेम मांगता है, आप किसी भी अवस्था में गृहस्थी रख सकता है, और देवताओं की गृहस्थन में नियम होते हैं, पर मेरे लड्डू गोपाल जी बिना नियम के भी खुश हो जाते हैं। भक्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे उनको भाव जागृत हो, कोई गलती ना करें। अगर किसी प्रकार की और जानकारी की वीडियो चाहते तो कमेंट कर दें, जिससे उसके ऊपर हम वीडियो आपको अवश्य बनाएंगे। आगे की वीडियो में और भी जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा।